आपके किसी फेवरेट कपड़े पे अगर तेल का निशान लग गया है तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए साथ के साथ एक साथ ढेर सारी पूड़ियाँ बनाने का सिगरेट लेकर के आई हूँ अगर आप ट्रैवल में जा रहे हैं तो अपने सनस्क्रीन और लोशन को कैसे रखें ऐसी ही बहुत अमेजिंग किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी सो हेलो एवरी वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे सो विदाउट एनी डिले चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली टिप है ना वो इस तरीके के बॉबिन को लेकर के है कि जो सिलाई करते होंगे उनको बहुत ही अच्छे से पता है कि ये जो बॉबिन होती है ना ये हमेश हमेशा मिसप्लेस हुई रहती है हमेशा गुम हुई रहती है तो इसको ना एक साथ हम कैसे रख सकते हैं जैसे कि देखिए ये जो धागा है इस धागे को हमने इस बॉबिन में लगाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो बॉबिन है ना इसमें रबड़ बैंड लगा देंगे पतला वाला और पतला वाला रबड़ बैंड लगाने के बाद क्या करेंगे कि इस तरीके से आप ऊपर की तरफ पुल करेंगे इसको तो इसमें एक छोटा सा लूप बनेगा इसी लूप में ये जो धागा है इसको डाल करके रख दीजिए जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी आपको धागा डालना होगा इसके अंदर इस बॉबिन के अंदर आप निकालेंगे और धागा डाल लेंगे साथ के साथ जो मिसप्लेस होने वाली प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी तो मैं होप करती हूँ कि ये छोटी सी टिप आपको बहुत पसंद आई होगी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ तो देखिए जब कभी भी हम बाहर जाते हैं कभी ट्रैवल पे जाते हैं अभी देखिए समर आने वाला है हर कोई ट्रैवल करेगा तो ऐसे में जितनी भी हमारी एसेंशियल चीज़ें होती हैं लाइक फेस वॉश सनस्क्रीन ये सब चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी हो जाती हैं ले जाना लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इसको ले जाएँ कैसे है ना तो आ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये लीक हो जाती है या फिर इसका कैप खुल जाता है जिसकी वजह से आपके बैग्स वगैरह भी गंदे हो जाते हैं तो एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी मैं अगर आपके पास इस तरीके का क्लिंग फिल्म है ना तो आप इसको इस तरीके से कट कर लें और कट करने के बाद मैं बताऊँगी इसको कैसे आप लगाएंगे इसके अंदर ना तो देखिए अब हमें क्या करना है कि ये जो आ सनस्क्रीन है ना इसको पहले खोल लेना है और खोलने के बाद क्रीम लगा करके और फिर इसका कैप लगाइएगा इस तरीके से आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आप यूज़ करते हैं इस तरीके से आप लगा करके और अपने बैग में रखेंगे ना ये कभी भी खुलेगी नहीं और आपका बैग भी गंदा नहीं होगा साथ के साथ आपका जो काम है ना ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा जिसकी वजह से आप अपने ट्रैवल को इंजॉय कर पाएंगे तो मैं होप करती हूँ कि ये छोटा सा टिप आपको बहुत पसंद आया होगा अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको हमारी टिप अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा वायरल टिप है मतलब इस, इसका जो यूज है ना वो हर कोई कर रहा है अपने महंगे से महंगे कपड़ों पर से तेल के निशान को हटाने के लिए तो हमने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर किया जाए और मैं भी देखना चाहती थी कि ये कितना ज्यादा वर्क करता है कितने परसेंट ये वर्क करता है तो देखिए यहाँ पे हमने हैंकी ले लिया है कॉटन की और इस पे हमने ये ऑयल लगा दिया है अच्छा अभी तक हमने जितनी भी वीडियो देखी सब में सैटन का कपड़ा या तो टेरीकॉट के कपड़े पे दिखाया गया कि इस पे से तेल निकल जाता है तो सच में तेल निकलता है बट आज मैं एक कॉटन के कपड़े पे ट्राई करके देखूंगी कि क्या सच में ये वर्क करता है तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने तेल लगा दिया था और इसके बाद से इस पर लगा दिया टेलकम पाउडर आप कोई सा भी टेलकम पाउडर इस्तेमाल यहाँ पे आप ना जो एक्सपायर हो जाते हैं टेलकम पाउडर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद से इसको ढक दिया और खूब अच्छे से प्रेस गर्म करने के बाद इसको प्रेस कर देना है और देखिए अब मैं इसको हटा रही हूँ तो ये ना पापड़ी की तरह निकल रहा है देखिए क्योंकि प्रेस गर्म थी और जो पाउडर था वो अच्छे से तेल को एब्ज़ॉर्ब करके और बिल्कुल सूख गया ये और अब देखिए इसको रगड़ रही हूँ मैं तो सच में ये वर्क करता है अच्छे से ये वर्क करता है देखिए बिल्कुल छूट गया है साथ के साथ जो नीचे वाला कपड़ा था ना चूँकि ये भी कॉटन है तो देखिए मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करके दिखा रही हूँ आपको कि देखिए इस पे से छूटता है कि नहीं तो देखिए हमने यहाँ भी टेलकम पाउडर डाल दिया है और सेम प्रोसेस रिपीट करना है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे हमने इसको ढक दिया है और इसको प्रेस कर लेना है बस इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो प्रेस है ना बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए अब देखिए इसको भी मैं हटा करके दिखा रही हूं तो बस देखिए यहाँ से तेल बिल्कुल गायब हो चुका है इट मीनस ये जो टिप है ना ये हंड्रेड टेन परसेंट वर्क करती है आपके पास जो भी बहुत ही ज्यादा महंगे कपड़े होंगे या फिर हम लेडीज़ को खाना वगैरह बनाना ही होता है तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि तेल लग जाता है तो आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ तो देखिए एक साथ ढेर सारी पूड़ियाँ बनाने का सीक्रेट मैं दो तरीका बताऊँगी यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखिए नॉर्मली क्या होता है ना कि जो पूड़ी का आटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड ही आटा चाहिए मतलब आटा एकदम सख्त हो इस तरीके से पेड़े काट लीजिएगा और काटने के बाद क्या करिएगा कि बना करके गोल गोल और इसको एक के ऊपर एक पहले तेल लगाइएगा फिर थोड़ा सा आटा छिड़किएगा इस पर सूखा वाला और इसके बाद से फिर दूसरी वाली लोई रख करके फिर सेम प्रोसेस करते हुए आप तीन पूड़ी चार पूड़ी मतलब एक साथ बेल करके रेडी कर सकते हैं बस याद यही रहना चाहिए आपको कि जो आटा है ना वो गीला नहीं होना चाहिए अगर गीला रहेगा तो ये सब एक साथ चिपक जाएंगी एक भी पूड़ी निकलेगी नहीं अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो आप बिल्कुल मिनट में एक साथ तीन चार पूड़ियाँ एक साथ बना करके रेडी कर लेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे इसको बेल दिया है और बस आप इसको एक एक करके निकालते जाइए और छानते जाइए अब हो गई ये तो पहली टिप अब मैं बता रही हूँ दूसरी टिप तो देख तो देखिए इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो एक बड़ा सा पेड़ा ले लेना है और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है अच्छा ये टिप सबको पता होगी इवन जिनको रोटी बनानी नहीं आती ना गोल या तो पूड़ी बनानी नहीं आती वो इस टिप का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं जो बिगनर्स होते हैं तो देखिए हमने बड़ी सी रोटी बेल करके यहां पे रेडी कर ली है और अब आपको चाहिए कोई सी भी गिलास कटोरी जो भी आपको आपके पास अवेलेबल हो तो अंतर सिर्फ यही होगा कि अगर बड़ी कटोरी लेंगे या फिर गिलास लेंगे तो पूड़ियाँ बड़ी बड़ी बनेंगी छोटी लेंगे तो छोटी बनेंगी तो देखिए मेरे पास ना ये मीडियम साइज की एक गिलास है तो हमने इससे ना इस, इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है तो देखिए यहाँ भी सिर्फ एक बार के मेहनत में आपके पास छः पूड़ियाँ एक साथ बन करके तैयार हो गई और बिल्कुल इक्वल साइज बिल्कुल गोल मटोल तो जितने भी बिगनर्स हैं ना इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छी टिप है और बहुत जल्दी जल्दी पूड़ियाँ इससे बन करके तैयार हो जाती हैं तो मैं तो देखिए ये बहुत कॉमन सी बात है हर किसी को पता होती है लेकिन जिसको नहीं पता ना वो यहाँ से सीख सकते हैं और अपने बिजी लाइफ को अपने डे टू डे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी वीडियो मिस नहीं होगी जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आएगा और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं किस सिटी या तो किस गाँव से ये भी जरूर मैंशन करिएगा हमें आपके कमेंट के मतलब जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना उनका वेट होता है तो बस मिलती हूँ मैं कल एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना खूब सारा